सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ चैन स्नैचर ने एक महिला के गले पर चाकू से घातक वार किया है, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि महिला शॉपिंग करके मार्केट से लौट ही रही थी, तभी स्नैचरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। दरअसल दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में शनिवार रात को स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात हो गई। यहां गोद में 2 साल के मासूम को लेकर पैदल जा रही महिला के गले पर चैन स्नैचरों ने चाकू से बेरहमी से वार कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने अस्पताल में महिला को मृत घोषित करार दिया। गौरतलब है कि हत्या का ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। चैन स्नैचिंग की वारदात में जान गंवाने वाली महिला की पहचान सिमरन कौर के तौर पर हुई है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमने 10 टीम्स बनाई हैं और हम लोग बहुत क्लोज हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको वर्कआउट करें। मैम, जिस तरीके से लड़का चेस कर रहा था और लोगों का आरोप है कि पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर, उसके बारे में आप? पेट्रोलिंग होती है जी, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जी। काफ़ी पेट्रोलिंग है, हमने इन दिनों काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है। जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे, और सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, इसके बारे में कुछ पता सामने आया, कुछ पहचान हो पाई, कौन क्या था सीसीटीवी फुटेज में? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम लोग बहुत जल्दी। लड़के का चेहरा मैम दिखाई दे रहा है सीसीटीवी, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मफल किया हो या कुछ हो, तो उससे पहचान? शेयर नहीं करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन, हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम लोग बहुत क्लोज हैं। मैम, स्नैचिंग ही वजह है या और भी पहलुओं से जांच की जा रही है? जैसा फुटेज में आया है और जैसा इंसिडेंट सामने आया है लोकल इंक्वायरी से भी, ये स्नैचिंग का ही अटेम्प्ट है और उसी में से ही है। चैन स्नैचिंग की वारदात में जान गंवाने वाली महिला की पहचान सिमरन कौर के तौर पर हुई है। हमले में घायल होने के बाद महिला को फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में एडमिट कराया गया, जहाँ कुछ ही देर बाद सिमरन कौर की मौत हो गई। बताते चलें कि सिमरन कौर की उम्र अभी सिर्फ 25 साल ही थी।